पूरे लोकतंत्र खत्म कर दिया है। महागठबंधन वाली जो सरकार है ना, यहाँ लाठी के बल पर ये शासन करना चाहते हैं, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी उखाड़ कर लोगों ने फेंक दिया, कांग्रेस को उठाकर फेंक दिया, आज तक जम नहीं रहा है। लोग क्या है भाई, एक बार उखाड़ के फेंक देगा 24-25 बजे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अमित झा। बिहार सरकार के मंत्री शमीम अहमद के बयान को लेकर एक बार फिर से पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार की जनता और भगवान ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। और उसके बाद बिहार विधान परिषद में जिस प्रकार से जीवेश मिश्रा को मार्शल के द्वारा बाहर निकलवाया गया, इस बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है वो लाठी के दम पे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव, पहले वो सुनिए। वेल, करुण मंत्री का और मुख्यमंत्री जी का खास तौर पर, अगर ही ऑल इज वेल है तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। भगवान में माफ नहीं करेंगे इन लोगों को। जनता का जो आक्रोश है वो इतना प्रकाशता पर है कि पता चल जाएगा जब वक्त आएगा। तो आपके लोग जब पूछते हैं सदन में, सवाल पूछते हैं विधानसभा में, सवाल पूछते हैं तो उनको मार्शलों के द्वारा बाहर फिकवा दिया जाता है। अरे लोकतंत्र खत्म कर दिया है ये महागठबंधन वाली जो सरकार है ना, बिहार में लोकतंत्र खत्म। अब ये जो है यहाँ लाठी के बल पर ये शासन करना चाहते हैं, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, प्रेस मीडिया को दबाना चाहते हैं। तो अघोषित आपातकाल जो इंदिरा जी के जमाने में हुआ था, चूंकि उनके संघर्ष से गुण जात हैं, संघर्ष से गुण होत हैं, तो ये सब लोग उस समय आपातकाल जब लागू हुआ था तो जो दो नेता हैं, एक लीड कर रहे हैं आरजेडी को, एक लीड कर रहे हैं जनता दलियों को, ये दोनों लोग उसके खिलाफ लड़ने का काम किए थे। आज सत्ता के मोह में उनके गोद में बैठ गए हैं तो संस्कार आ ही जाएगा ना। कल नेता प्रतिपक्ष गए थे बिहार शरीफ, उनको सर्किट हाउस में ही रोक के रखा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं चलता है। बहुत दिन तक आपने जब इंदिरा गांधी को उखाड़ कर लोगों ने फेंक दिया, कांग्रेस को उठाकर फेंक दिया, आज तक जम नहीं रहा है। ये लोग क्या है भाई, एक बार उखाड़ के फेंक देगा 24-25 में देख लीजिएगा क्या इन लोगों की दुर्गति होती है। सब फेल हो चुके हैं, जनता की सेवा करने में फेल हो है, जनता की जान बचाने में, इज्जत आबरू सब बचाने में फेल हो, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है सरकार। कहीं नहीं बगल में जोगी जी के राज में कहीं नहीं कोई दंगा फसाद हो रहा है, बगल में ना है, बिहार के बगल में सटे हुआ उत्तर प्रदेश है। ससराम जहां घटना हुआ उसके बगल में तो है, कहीं नहीं हो रहा वहां, कहीं नहीं सर उठा रहा है दंगाई। आलोक मेहता जी कह रहे हैं कि गांधी की हत्या करने वाले आज गांधी का चश्मा पहन करके सफाई अभियान चला रहे हैं। अब देखिए ये लोगों को आलोक मेहता जी को क्या बताएं उनको हम, ये सब लोगों ने जो नुकसान किया है प्रदेश का, अपने वो क्या बोलता है कमियों को छुपाने के लिए आरोप कर रहे हैं। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है देश को बनाने में, आज भी कंट्रीब्यूशन जारी है देश को उठाने में, बढ़ाने में, ताकत देने में। ये सब लोग कौन लोग हैं जिनके ऊपर जितने भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो जा रहे हैं जेल, जो परेशानी हो रही है, इसलिए अनाप शनाप लोग बोल रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि रामकृपाल यादव ने महागठबंधन की सरकार को लेकर बताया कि बिहार में वो लाठी के दम पे अपना साम्राज्य जताना चाहती है, बनाना चाहती है। उसके बाद उन्होंने शमीम अहमद के ऑल इज वेल वाले बयान को लेकर भी कहा कि ऐसे लोगों को जनता बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों शमीम अहमद जो है उन्होंने सासाराम और बिहार शरीफ की घटना को लेकर कहा कि बिहार में सब ऑल इज वेल है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इनसाइडर लाइव। नमस्कार।